हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद नज़ीर, वेलकम टू द न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। मेरे कमेंट्स में जो है ना, बहुत सारे लोग ऑटो कैड पे जॉब्स के लिए इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे गल्फ़ में। तो अभी सऊदी अरब में जो है ना, बहुत सारे लोग ऑटो कैड की जॉब करना चाह रहे हैं। तो जॉब की इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। अगर आप ऑटो कैड की जॉब करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम आपके पास जो है ना, मिनिमम थोड़ा सा ITI तो करके रहना आप ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, इससे पहले 10th पास होते ही डायरेक्ट ऑटो कैड कर लेते थे, यहाँ पे आके जॉब करते थे। अभी यहाँ का सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि जो आप डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं वो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका जो है ना, जॉब की प्लेसमेंट रहेगी। जैसा आर्किटेक्चर ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए आप, मैकेनिकल ले लीजिए आप, तो हर डिपार्टमेंट का काम अभी अलग अलग हो रहा है यहाँ पे। तो 10th पास होने के बाद डायरेक्टली आप ऑटो कैड करेंगे। ऑटो कैड ओनली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, ऑटो कैड आ गया तो हम जॉब कर लेंगे, बट यहाँ पे जो है ना, हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है ऑटो कैड में। ऑटो कैड सिर्फ एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पर अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना ज़रूरी है। जैसा मैं आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट से हूँ, अगर आप ऑटो कैड करके हैं तो ऑटो कैड से जो बेस्ट है, 3ds Max है या आपको रिवीट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे आप स्ट्रक्चरल में चले जाइए, ऑटो कैड एक आ गया तो नहीं है, ई टैप्स बोल के है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इसके ऊपर जो है ना, आपको सर्च करना ज़रूरी है। अभी तो सऊदी अरब में जो है ना, जॉब्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बट थोड़ी सी सैलरी कम है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है ना, डिस्टर्ब करते हैं इंडिया में आके जो है ना, ऑटो कैड पर 10,000 रियाल, 12,000 रियाल, 15,000 रियाल। दिस इज़ स्टूपिड आंसर। अगर आप फ्रेशर आ रहे हैं तो मिनिमम 3,000 to 4,000 रियाल सैलरी रहेगी, उससे ज़्यादा आपको जो है ना, सैलरी परस्यू नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है तो मैक्सिमम 6,000 रियाल, उसके हिसाब से आपको जो है ना, मैक्सिमम। अगर आपके पास सैलरी बढ़वाना है आपको, तो ऑटो कैड के साथ थोड़ा मैक्स सीख लीजिए आप, रिवीट पे काम कीजिए, थोड़ा लुमियन सॉफ्टवेयर सीखिए, स्केचअप सीखिए। सो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत है, उसके ऊपर आप जो है ना, 100% यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं जो है ना, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट से काम करता हूँ, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। मेरा जो है ना, डिप्लोमा सिविल है। मैं इंडिया में जो है ना, म्यूनसिपल लाइसेंस इंजीनियर भी था। अभी प्रेजेंट जो है ना, मैं सऊदी अरब को आके 2 महीने हो रहा है। तो हमारी एक कंपनी है, उसके ऊपर जो है ना, मैं प्रोजेक्ट्स पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर ऑटो कैड के ऊपर और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमारे एक अतीक भाई है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अतीक भाई से भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। अभी अभी हम लोग ऑफिस में हैं, हमारे एक डी बॉस भी है, हमारे विवेक भाई भी है। विवेक भाई से मुलाकात कीजिए, ये हमारे IT के बंदे हैं। विवेक भाई, हाय। हेलो। हाय हाय, कैसा है, जॉब्स कैसा चल रहा है यहाँ पे? सब ठीक, सब मज़े में। बहुत सारे लोग आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? आइए यहाँ पे, 100% आपको जॉब्स मिलेंगे, प्लेसमेंट्स मिलेंगे, 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दिबॉस है, दिबॉस ये है हमारे दिबॉस, ये हमारे विवेक भाई। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं बताया था ना, आतिक भाई, हमारे आतिक भाई जो है ना, 100% परफेक्ट आंसर देंगे ऑटो कैड के लिए। तो हम हमारे आतिक भाई से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे आतिक भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतिक भाई, आतिक भाई, कितने साल से आप सऊदी अरब में? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाह, 14 साल। सो 14 साल, 14 साल का एक्सपीरियंस, 14 साल का एक्सपीरियंस है हमारे आतिक भाई को। सो बहुत सारे लोग जो है ना, कमेंट कर रहे हैं, अगर सऊदी अरब आए तो ऑटो कैड पे जॉब कैसी रहेगी, कैसे मिलेगी, बल्कि कमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए भाई, सऊदी अरब या दुनिया में किधर भी जाओ आप, रिस्क मिन अल्लाह फर्स्ट थिंग। हयात और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बेशक आप आके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाती है, लेकिन ऑटो कैड यानी 100% आपको सीखना है। यानी जस्ट वहाँ पर 50-100 कमांड सीख ले के इधर आ गए, आके जो इस समय फ्रेशर हूँ बोले तो इंटरव्यू लेने के बाद आपको इंटरव्यू में समझ में आया था आप इंटरव्यू कैसी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से अभी यहाँ पर 100% हर चीज़ संभालने वाले कुछ लेंगे आप। फ्रेशर को लेना बोले तो यानी नए, जो भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, दूसरा कोई संभालने वाला है उनके हाथ के नीचे, तो आप संभाल सकते हैं, ले लेंगे। लेकिन किस्मत पे डिपेंड है सब हर चीज़। और ऑटो कैड में कितने डिपार्टमेंट्स, कैसा, किस तरीके से काम करेंगे? आर्किटेक्चरल है, स्ट्रक्चरल है, इलेक्ट्रिकल है,
मैकेनिकल है, बीएमएस है और विंडो एल्यूमिनियम का है, ग्लासेस का है, ये सब अलग अलग है सब। तो इंडिया में अगर सीख रहे हैं तो आप स्ट्रक्चरल पे, आर्किटेक्चरल पे, ये चार पे अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत अगर 50% परफेक्ट हो के अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, या आपको YouTube पे जो हर चीज़ मिल जाती है इंशाल्लाह। सऊदी के ड्राइंग्स रहने दो, दुबई के रहने दो, किधर के भी ड्राइंग्स आप ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। सेम एज इट ही वैसे रहता, लेकिन आप एक्स्ट्रा नए कमांड्स रहते हैं, जैसा इंस्टीट्यूट में 50 to 100 कमांड्स बता देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहते तो और नए नए कमांड्स आते रहते, नया वर्शन यूज़ करो, नया वर्शन इम्पॉर्टेंट है। 13, 15, 16 इंस्टीट्यूटों में क्या है यार, वो 2007 डाल के चला रहे हैं अभी भी राइट राइट है? दिमाग नहीं है इंस्टीट्यूट वालों को। तो मैक्सिमम आतिक भाई का इन्फॉर्मेशन क्या है, 2023 आ गया, 2023 एप्लीकेशन पे काम करो आप लोग। और जो है ना डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, मतलब जैसा आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट है यहाँ पे इंडिया में, क्या है कौन से भी छोटे छोटे टॉपिक्स बता देते हैं, ख़त्म छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे क्या है मेन सब्जेक्ट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट का क्या ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते, ये नहीं सिखाते कोई भी, कुछ नहीं सिखाते, बस थोड़ा बहुत अपने खुद ही से अपन रास्ता बता देता था, अपन निकल जाना रास्ते को पकड़ लेकर, जैसे ढूंढ लेते हुए चले आना। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ऑटोकैड के लिए? क्वालिफिकेशन यहाँ तो सब सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं अभी प्रेजेंट, सब जो है सब डिग्री पूछ रहे हैं, मुश्किल नहीं है उसके लिए। आप 10th क्लास पढ़ गए या इंटर है, डिग्री है, उससे कोई लेना देना कोई बड़ा मसला नहीं रहता। सर्टिफिकेट पूछते वो लोग, CV में आपका जो है वही मेंशन करना पड़ता, या नहीं तो आप सर्टिफिकेट्स दे दे टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाता फिर। आप CV में लिखे भाई BA BCOM लिख दिए, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं 10th का बोले तो सही नहीं रहता, वो पूछते फिर लिखा क्या है या सर्टिफिकेट क्या है बोलते। अब जो है सब सही जेन्यून आप CV में मेंशन कर दीजिए, उसके हिसाब से सही रहता इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, नया वर्शन, मैं इंस्टीट्यूट वालों को भी बोल रहा हूँ, सीखने वालों को भी बोल रहा हूँ, नया वर्शन डाल के सीखिए, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता। 2007 और 2023 में हमारा एक बंदा है 20 साल का एक्सपीरियंस, 2009 में काम कर रहे हैं अभी भी, वो बंदे को 2021 या 22 का वर्षन में काम करो बोले तो कैसा कमांड्स नहीं आ रहे थे, बहुत सारे चेंजेस हो गए उसमें बोलते सुने। अब भाई 20 साल का एक्सपीरियंस बंदा 2009 इस्तेमाल करके 2022 इस्तेमाल नहीं कर सक रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं न्यू हमेशा जो है सो न्यू वर्शन पे आप यूज़ करें तो आपको जो है सो कमांड्स मालूम होते रहते, हर चीज़ अच्छी रहती है। अब पुराने वर्षन आप बुढ़े वर्षन लेके बैठेंगे आप नहीं चलता, कौन सा सुने तो बाद में जो है सो आपको यहाँ पर आने के बाद अरे ये कौन सा, मैं तो वहाँ 2007 में 9 में काम करके आया तो यहाँ पर नहीं चलता, आपको बोलने का मौका ही नहीं देते आपको। जी आपके परेशानियाँ नहीं सुनते आप, सुने आप जस्ट आए ना आधे घंटा घंटे में आपका प्रेजेंटेशन दे देना, प्रेजेंटेशन आपकी आपके पास कितना टैलेंट है क्या है आप बता दिए तो इंशाल्लाह आपको जो है सो चांसेस रहते सक्सेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। यानी आप एक 60% 70% भी दे दिए तो आपको चांसेस रहते इंशाल्लाह। आप जो है सो 100 दे दिए, 50 करे 40 करे तो नहीं चलता उसमें। जी इसके साथ साथ काम के साथ, और अपन मुसलमान है और यह जो भी है हमारे मुसलमान भाइयों को मैं एक दावत देना चाह रहा हूँ कि मुसलमान है 5 वक्ती नमाज पढ़ना छोड़ना है, फजर जहर असर मगरिब इशा 5 नमाज पढ़ना है सुने। अगर जो नमाज की पाबंदी नहीं करता वो हमेशा परेशानियों में मुब्तला रहता है सुने। नमाज फ़र्ज चीज़ों को, सुन्नत चीज़ों को अमल करते हुए चलिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी लाइफ आसान गुजर जाती है, सुकून से रहती है। नमाज छोड़ देने वाला हमेशा परेशान रहता,
कुछ ना कुछ धटियों में लगा हुआ रहता, समझो बी बच्चों के या नहीं तो पढ़ाई के या नहीं तो पैसों का कुछ ना कुछ में परेशानी में मुबतला होकर रहते हैं। यह हमारा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजर रही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिली है कि आपको पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना है। ये फर्स्ट ये क़ायम कर लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आपको साथ देंगे। तो अभी अगर आप आ रहे हैं तो वेलकम्स, आ सकते हैं आप सऊदी अरब को, बट यहाँ पे जो है ना न्यू वर्जन सीखिए। डिज़ाइन जो भी आप डिपार्टमेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर फॉलोअप कीजिए, क्योंकि मैं दो बंदों से यहाँ पे मिला हूँ, हैदराबाद में ऑटोकैड किया है वो। यहाँ पे आने के बाद बहुत परेशान था, मेरे रूम पे आया, रूम पे आने के बाद मैं ऑटोकैड पे जॉब करना चाह रहा हूँ बल्कि इन्फॉर्मेशन पूछा था, तो मैं उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया जो कौन से डिपार्टमेंट से कर सकते हो तुम क्या है। तो वो बंदे को डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस ऑटोकैड के कमांड सीख लिए यहाँ पर आ गए, तो ये से थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए। सो प्लीज़ आप लोग जो है ना अपनी जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कौन से डिपार्टमेंट पे काम करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट आप सोच कर उसके हिसाब से आप जो है ना काम कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे तो जॉब्स बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप आ सकते हैं, बट थोड़ा सैलरीज कम है। आप डिस्टर्ब मत हुई है, क्योंकि मार्केट में जो है ना बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, सैलरी बहुत है, 15,000 रियाल, 20,000 रियाल, ये स्टूपिड आंसर है। मैं ओपन बता रहा हूँ, मैं आपको स्टूपिड आंसर है ये। यहाँ पे जो है ना आपको फ्रेशर को वही 3,000-4,000 रियाल से स्टार्ट होगी, उसके हिसाब से आप लाइफ को जो है ना सक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन को आपके फ्रेंड्स के साथ में जो है ना शेयर कीजिए। आपको जो भी सऊदी अरब का डाउट है या कुछ देखना चाह रहे हैं सऊदी अरब में, तो मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाइए, वहाँ पे आप टाइप कीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका दोस्त आपका भाई कोशिश करेगा कि आपको मैं वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।